नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो पैटर्न लेकर आया हूं, उस पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। उस पैटर्न का नाम है मेगाफोन चार्ट पैटर्न। तो ये मेगाफोन चार्ट पैटर्न किस तरह से दिखता है मार्केट में, हम इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कैसे करना होता है, किस तरह से देखने में ये दिखता है, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो देखिए, मेगाफोन चार्ट को पैटर्न जो है, तो ये देखने में कुछ इस तरह से दिखता है जैसे पिछले जमाने में भोपू हुआ करते थे, या फिर आज के टाइम में अगर आप देखें तो जो है, मतलब ये सायरन के टाइप में कुछ ऐसा दिखते हैं। मैं आपको एक और पिक्चर दिखाने की कोशिश करूंगा, सॉरी। तो यहां पर जो है ये देखिए, दूसरा जो है इस तरह से ये जो है पैटर्न दिखता है। ये एक समझ लीजिए पुराने जमानों में जो स्पीकर यूज किए जाते थे, मतलब लोगों को बताने के लिए कुछ, तो वो चार्ट पैटर्न उस तरह से दिखते हैं। या इसको एज हम एक चार्ट के रूप में भी, टॉर्च के रूप में भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये चार्ट पैटर्न जो है कुछ इस तरह से हमको दिखाई देता है। जैसे समझ लीजिए किसी ने यहाँ पर टॉर्च की रोशनी स्टार्ट कर रखी हो और टॉर्च की रोशनी जो है इस तरह से फैलती है, तो ये चार्ट पैटर्न भी कुछ इस तरह से दिखता है। इस चार्ट पैटर्न में क्या होता है, देखिए, एक जो है लोअर लो की फॉर्मेशन होती है और एक हायर हाई की फॉर्मेशन होती है। तो जो हायर हाई की फॉर्मेशन होती है वहां पर हम जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो लोअर लो की फॉर्मेशन होती है हम वहां पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए, आइए मैं जो है आपको इसको फॉर्म करके दिखाता हूं कि जब आपको मार्केट में इसको फाइंड आउट करना है तो आपको किस तरह से ये चार्ट पैटर्न जो है देखने होते हैं। तो चलिए, मैं आपको जो है, मतलब आपको लेकर चलता हूं यहाँ चार्ट पर। देखिए यहाँ किस तरह से होता है, एक समझ लीजिए इस तरह से आप, ये एक हायर हाई बना, उसके बाद फिर हम एक लोअर लो मार्केट में देखेंगे, फिर एक हाई, पिछले हाई से ये जो हाई होगा ऊपर होगा, ये एक हायर हाई हो गया, फिर एक ये जो है इस तरह से लोअर लो होगा, ये जो लो होगा पिछले लो से नीचे होगा, आगे फिर एक जो है आप हायर हाई देखेंगे, ये जो हाई होगा पिछले हाई से जो है ज्यादा होगा, उसके बाद फिर जो है हम एक लोअर लो इस तरह से देखते हैं, ये लो पिछले लो से नीचे हो गया, और फिर इस तरह से हम एक हायर हाई देखेंगे, ये हायर हाई पिछले हाई से ऊपर होगा, फिर एक लोअर लो हम इस तरह से देखेंगे, ये लो पिछले लो से नीचे होगा, फिर एक हायर हाई, इस तरह से मतलब मार्केट में ये पैटर्न जो है बनता है। तो देखिए, अभी इस सिचुएशन में हमने क्या करना होता है, अभी हमने जितने भी हायर हाई हमारे सामने होते हैं हम एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर ली और एक जो है नीचे की तरफ जो लोअर लो के जो फॉर्मेशन बने हुए हैं हमने एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली। तो मार्केट में आपको जो है चार्ट पैटर्न ये इस तरह से दिखेगा, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो है एक पुराने जमाने के स्पीकर के रूप में दिखता है या फिर एक टॉर्च के रूप में दिखता है। अगर हम इसको यहाँ पर एक टॉर्च का इस तरह से हम दे दें, रुकिए मैं आपको जो है, मतलब ये चीजें बहुत अच्छे से करके दिखाने वाला हूँ। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक टॉर्च इस तरह से बना लिया, ये एक मान लीजिए हमारा टॉर्च है, ठीक है, और इस तरह से ये समझ लीजिए ये जो है इसका फ्रंट पॉइंट है, ये इसका बैक पॉइंट है। तो यहाँ पे जब टॉर्च की रोशनी इस तरह से निकलती है तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि लाइट जो है फैलती है। तो मतलब बिल्कुल सिंपली है कि ये जो चार्ट पैटर्न भी है एक बिल्कुल सेम इसी फॉर्मेशन में काम करता है। सो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये चार्ट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमारी यहाँ पर एंट्री किस तरह से होती है और हमारे टारगेट क्या होते हैं, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने पहले दो हायर हाई पकड़ने हैं और दो यहाँ पर लोअर लो पकड़ने हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर ये जो लोअर लो हमने ये ड्रॉ किया था, तो यहाँ पर हमने ये देखिए दो हायर हाई हमने, मैं आपको यहां पर पहले इसको इस तरह से करके दिखाता हूं, समझ लीजिए मार्केट अभी इस तरह से चल रही है और यहां पर हमने जो है दो हायर हाई पकड़ दिए हैं और दो लोअर लो पकड़ के हमने जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को हम एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से, और ऊपर की जो है हायर हाई जहां पर फॉर्मेशन बना हुआ है उसको भी हम जो है इस तरह से एक्सटेंड कर लेंगे। तो इसको आप कह सकते हैं, ये एक आप इसको न्यूट्रल पैटर्न के रूप में भी जो है देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अभी यहां पर आपको दो हायर हाई नीचे की तरफ मिल चुके हैं, अभी यहां पर जब आपको एक हायर हाई, तीसरा हायर हाई यहां पर जब मिलेगा तो आपने यहां पर बाइंग की पोजीशन बनानी है। बाइंग की पोजीशन बनाने के बाद आपका जो है टारगेट होगा ये ट्रेंड लाइन, यहां पर आप जो है
अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, और यहां पर अभी फिर आप एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं। सेल की पोजीशन बनाने के बाद आप इसको यहां पर स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, यहां से फिर एक बाई की पोजीशन बना सकते हैं, फिर यहां पर जो है मतलब आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो मींस आपने जो है बहुत लंबे टाइम तक इसको नहीं करना है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 मींस आप जो है मतलब 4 हायर हाई और 4 लोअर लो बनने तक ही जो है मतलब इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं कि आपने नीचे बाय कर लिया और ऊपर सेल कर दिया, फिर ऊपर सेल कर दिया नीचे बाय कर लिया। 4 हायर हाई मीन्स 4 हायर हाई और 4 लोअर लो। इसके बाद आपने जो है दोबारा यहां पर अगर 5th टाइम में आपको लोअर लो नीचे यहां पर मिलता है तो आपने यहां पर बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है, बिकॉज इट्स मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि मतलब ये यहां से ब्रेक डाउन कर सकता है यहां, या फिर अगर आपको 5th टाइम यहां पर आपको ऊपर की तरफ हायर हाई मिलता है तो वो ब्रेक आउट कर सकता है। सो मतलब आपको 4 टाइम्स मतलब आपको जो है इसको कंसीडर करना है, इससे ज्यादा टाइम आपको जो है ये चीज नहीं करनी है। इसके बाद हमारा देखिए ये तो हमारा ट्रेड हो गया, इसके बाद जो हमारा ट्रेड होता है इसके बाद या तो ये ब्रेक आउट करेगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ब्रेक आउट करेगा तो फिर हम इसमें जो है बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, और इसमें जब ये नीचे की तरफ ब्रेक आउट करेगा तो हम जो है सेल की पोजीशन बनाएंगे। देखिए इसमें हम कह सकते हैं कि जब ये पैटर्न स्टार्ट होता है तो मार्केट में एक छोटी चाल होती है, यहां पर देखिए चाल छोटी है, उसके बाद धीरे धीरे चाल जो है बड़ी होनी चालू होती है, मीन्स मतलब ये पैटर्न जो है फैलता जाता है, ब्रॉड होता जाता है। सो मतलब चाल जो है स्टार्टिंग यहां पर छोटी चाल स्टार्ट होती है, धीरे धीरे ये चाल बड़ी होती जाती है, उसके बाद जो है हमने इस तरह से अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है। 2 हायर हाई और 2 लोअर लो मिलने के बाद हम 3rd लोअर लो पर बाइंग पोजिशन बना सकते हैं, 3rd हायर हाई पर बाइंग सेल पोजिशन बना सकते हैं, 4th लोअर लो पर हम फिर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, और 4th हायर हाई पर हम फिर सेल पोजीशन बना सकते हैं। हमने इसको सिर्फ जो है 4 हायर हाई और 4 लोअर लो को इस पैटर्न के जब तक इस ट्रेंड लाइन के बीच में है तब तक मतलब फिर जो है 4 हायर हाई और 4 लोअर लो को ही हमने ट्रेड करना है, 5th को हमने ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज 5th में ऐसा कई चांस देखा गया है कि मतलब ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो आपने जो है इस चीज का ध्यान रखना है, आपको जब भी इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर मिले तो आपको बाय करना है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर मिले तो सेल करना है। मान लीजिए ये 3rd टाइम जब आपको यहां पर मिल रहा है तो इसको हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहेंगे, तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर आप कैंडल स्टिक पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कंफर्मेशन लेते हुए यहां पे बाइंग कर सकते हैं, और 3rd टाइम यहां पर जब ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर है तो आप कैंडल स्टिक पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उसकी कंफर्मेशन लेते हुए यहां पर आप इसको सेल कर सकते हैं। फाइनली इसको जो है ब्रेकआउट के बाद आप जो ट्रेड कर सकते हैं, मान लीजिए मैं आपको फिर करके दिखाता हूं, यहां से मार्केट ने एक ब्रेक डाउन किया, इस तरह से ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहां पर अभी आपकी जो है बाइंग जो है आपका सेल एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। यहां पर आप अपने सेल की एंट्री बना सकते हैं, अदरवाइज आप जो है इसको जो है वेट करने के बाद यहां पर जब रीटेस्ट करने जाता है तो रीटेस्ट करने के बाद यहां पर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न कोई नेगेटिव दिखाई देती है, फिर यहां पर आप सेल की पोजिशन बना सकते हैं, और फाइनली देखिए आपका जो ब्रेकआउट करने के बाद या ब्रेक डाउन करने के बाद आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये फर्स्ट गैप होगा, ये जो फर्स्ट गैप का जो भी डिस्टेंस है ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूं, ये फर्स्ट गैप में जितना भी डिस्टेंस है ये आपका फर्स्ट टारगेट होने वाला है, और ये सेकंड गैप में जितना भी डिस्टेंस है ये आपका सेकंड टारगेट होने वाला है, 3rd में जितना भी डिस्टेंस है ये आपका जो है 3rd टारगेट होगा, और ये 4th में जितना भी डिस्टेंस है ये आपका 4th टारगेट होने वाला है। सो देखिए एक समझने की एक कला है, सिर्फ एक आर्ट है, बहुत सिंपल पैटर्न है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप इसको करें सीखें प्रैक्टिस करें तो बहुत आसान हो जाता है। सो देखिए हमारी जो है बिल्कुल मैंने आपको सिंपल बता दिया है कि यहां पर आपकी जो है सेल की एंट्री यहां पर ट्रिगर होती है, और यहां पर अगर मान लीजिए मार्केट ने कोई इस तरह से स्विंग जो है हाई बनाया हुआ है तो उसके बाद मार्केट ने यहां पर ब्रेकआउट दिया हुआ है तो आप इस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए इस तरह से कर लिए, मैं अभी इसको डिलीट करता हूं, मैं आपको दूसरी जो है सिचुएशन भी बता रहा हूं। सो आपको अगर मार्केट में दोनों में से कोई सिचुएशन मिले तो आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहां पर मार्केट ने जो है एक स्विंग हाई बनाया और यहां पर इस तरह से ब्रेकआउट किया तो आपने क्या करना है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये जो है आपका यहां पर स्टॉप लॉस होने वाला है, मैं आपको यहां पर लिख के भी बता देता हूं। तो ये आपका स्टॉप लॉस है यहां पर, जो आपका स्विंग हाई लगा हुआ है,
यहां पर आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। और जहां पर इसका ये जो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट को जहां पर इसने ब्रेक किया है, यहां पर आपकी एंट्री है, तो ये है आपकी एंट्री। ओके, ये आपकी यहां पर एंट्री है जहां पर इस पैटर्न ने, मेगाफोन चार्ट पैटर्न ने यहां पर ब्रेकआउट किया, ये आपकी एंट्री है। स्टॉप लॉस आपका ये होने वाला है, जहां जो भी आपको स्विंग हाई दिखाई दे रहा है यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट गैप, ये जो फर्स्ट गैप है, जो इसने फर्स्ट हायर आई और हायर लो बनाया था, इसका जो भी डिस्टेंस है ये आपका फर्स्ट टारगेट है। और सेकेंड टारगेट क्या है, जो आपका सेकेंड में ये जो बना हुआ है आपका हायर हाई और हायर लो, इसके बीच में जो भी डिस्टेंस है ये आपका जो है सेकेंड टारगेट है। सेम इसी तरह अगला थर्ड टारगेट और ये फोर्थ टारगेट। तो मैंने आपको इस पिक्चर को बनाकर बिल्कुल आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि मेगाफोन चार्ट पैटर्न देखिए कितना इजी है, ट्रेड करने में भी बहुत आसान है, टारगेट बहुत अच्छे आते हैं इसमें, रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है। तो चलिए मैं आपको जो है चार्ट में लेकर चलता हूं और चार्ट में दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये जो चार्ट पैटर्न जो है किस तरह से काम करते हैं, कहां पर हमारी चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारी एंट्री होगी, किस तरह से हमारा जो है टारगेट होने वाला है, कहां पर हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। तो देखिए मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा नेचुरल गैस का, यहां पर देखिए नेचुरल गैस का चार्ट जो आप देख रहे हैं, तो यहां पर देखिए हमको एक जो है लोअर लो यहां पर मिला, एक लोअर लो यहां पर मिला। तो हमने क्या किया, देखिए इस तरह से ये दो लोअर लो पकड़ते हुए हमने इस तरह से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से हमने ड्रॉ कर ली। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। और ऊपर भी देखिए फर्स्ट जो है यहां पर एक हायर हाई हमको मिला हुआ है, एक हायर हाई हमको यहां पर मिला हुआ है। तो हमने इस तरह से जो है, मैं थोड़ा इसको आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा, यहां पर ये देखिए इस तरह से, ये देखिए जब हमको दो हायर हाई मिल गए तो दो हायर हाई को पकड़ के हमने जो है एक ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली और इस ट्रेंड लाइन को हमने इस तरह से जो है एक्सटेंड कर लिया। तो अभी देखिए यहां पर दो हमको लोअर लो मिल चुके हैं और यहां पर दो हमको हायर हाई मिल चुके हैं। तो हमको जब यहां पर थर्ड टाइम हमको यहां पर जब भी ये मिलेगा तो हम इसको सेल कर सकते हैं, फोर्थ टाइम भी हमको यहां पर मिला तो हम इसको सेल कर सकते हैं। एंट्री टारगेट हमारा ये होगा, ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, मीन्स कहने का मतलब है यहां पर हमने सेल किया और ये हमारा टारगेट। ओके, तो यहां पे सेल किया हमने, ये हमारा टारगेट हुआ। और फाइनली जब इसका ब्रेकआउट हुआ, आप इसको देख सकते हैं यहां पर, ये देखिए ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट होने के बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, वो फर्स्ट टारगेट आइए हम देखते हैं कितना होता है। फर्स्ट टारगेट हमारा है जो है 183.5 और 190, नियर अबाउट 7 पॉइंट्स का टारगेट है। तो यहां पर हम देखते हैं 179 और 179 टू 166, तो यहां पर देखिए 7 पॉइंट्स का टारगेट बहुत इजीली अचीव हो गया, मीन्स हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको एक और चार्ट दिखाऊंगा जिंक का, ये फ्यूचर का चार्ट है जिंक का, ठीक है। तो इस पे जरा गौर करिएगा, यहां पर ये देखिए अभी हम जैसा मैंने आपको बताया था हमने दो हायर हाई पकड़ने हैं, तो यहां पर देखिए हमने यहां पर हमको वन हायर हाई और सेकंड हायर हाई, यहां पर दो हमको हायर हाई मिल गए और यहां पर हमने क्या किया, हमको दो लोअर लो पकड़ने हैं इस तरह से। ये देखिए एक लोअर लो हमको यहां पर मिल गया और दूसरा लोअर लो हमको यहां पर मिल गया। तो अभी आप देख सकते हैं जैसा ये भोंपू टाइप का एक पैटर्न है जो आज भी पुलिस वाले यूज करते हैं, जब किसी को घर से बाहर निकालना होता है या कोई अनाउंसमेंट करनी होती है उस टाइम यूज करते हैं भोंपू टाइप का, जिसको हम कह सकते हैं एक बड़ा स्पीकर होता है जो वायरलेस होता है, तो उस तरह का देखिए देखने में फॉर्मेशन इस तरह से लगता है। तो अब देखिए हमने दो हायर हाई पकड़ा और दो हायर हाई पकड़ने के बाद हमने इसको जो है एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। और यहां पर हमने दो लोअर लो पकड़े, दो लोअर लो पकड़ने के बाद हमने इसको जो है पैटर्न को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। तो अभी यहां पर देखिए हमको एक क्लियरली हमको पैटर्न यहां पर मिल चुका है, ठीक है। अभी इसको जिसको हम कहेंगे मेगाफोन चार्ट पैटर्न, तो मेगाफोन चार्ट पैटर्न में अब देखिए हमने एंट्री कहां पर लेनी है, एंट्री हमारी ये जो रेड कैंडल ने जो इसको ब्रेक डाउन दिया है, तो यहां पर हमारी एंट्री होगी और स्विंग लो यहां पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। आपको मैं एक बार और जो है मतलब अच्छे से करके दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको जो है मतलब चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है मतलब कहते हैं कि सर समझ नहीं आया, तो मतलब इसलिए मैं आपको देखिए मैं पूरा एकदम बाकायदा लिख कर जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए अब यहां पर हमारा ये स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। देखिए स्टॉप लॉस क्यों है, क्योंकि यहां पर हमको एक स्विंग हाई है, स्विंग हाई मिला हुआ है, तो ये स्विंग हाई जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि स्विंग हाई को जो है मार्केट जो है लोअर लो फाउंडेशन बनाते हुए नीचे की तरफ चली जाएगी और स्विंग हाई को इसको टच नहीं करेगी। और एंट्री देखिए एंट्री हमारी यहां पर है, ओके, तो ये हमारी एंट्री हो जाती है, ये हमारी एंट्री है जब यहां पर इसने ब्रेक ब्रेक डाउन दिया है। तो
तो ये हमारी एंट्री हो गई और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो है मतलब कितना हमारा जो है निकल के आ रहा है ये रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो में हम ये देखेंगे 2 रुपये 88 पैसे का, देखिए हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो हमको 2 रुपये 88 पैसे के स्टॉप लॉस पे हमको क्या जो है रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पर रिटर्न जो है देखिए हमको नियर अबाउट मिला है 7 रुपीज। तो हम कह सकते हैं नियर अबाउट 1:3 का टारगेट हमको बहुत इजिली यहां पर मिला है। सो आपने जो है मतलब टारगेट तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको देखकर चलना है, जो इसका फर्स्ट गैप है, ये फर्स्ट गैप हमारा, ये फर्स्ट टारगेट है जो ये है हमारा, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, इसको हम देखते हैं ये टारगेट हमारा कितना निकल के आ रहा है। तो ये टारगेट 3 रुपये 17 पैसे, तो जितना हमारा स्टॉप लॉस था उतना हमारा ये फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, मीन्स हम इसको कह सकते हैं 1:1 का। और सेकंड अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो सेकंड हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है 4 रुपये 15 पैसे, तो सेकंड टारगेट भी नियर अबाउट हमारा अचीव हुआ, 3 रुपये और 4 रुपये 7 रुपये हमारे यहाँ पर अचीव हुए। थर्ड टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ, थर्ड टारगेट अचीव करने के लिए शायद क्या पता ये यहाँ से मतलब दोबारा रिवर्स हो। सो हमको जो है देखिए हमको तो फर्स्ट टारगेट पे जो है आपको 70% क्वांटिटी बुक कर लेनी है, सेकंड टारगेट पर भी फिर आपको 20% क्वांटिटी बुक कर लेनी है, 10% क्वांटिटी रेस्ट जो क्वांटिटी होती है उसको आपने कंटिन्यू ट्रेलिंग पे करना है। आपको मैं एक स्टॉक में भी दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से ये चार्ट पैटर्न बनता है, फॉर्म होता है। आप ये देखिए, मैं एक टाटा मोटर्स का ये चार्ट है मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो ये देखिए टाटा मोटर्स के चार्ट में यहां पर आपको फर्स्ट हायर हाई है, सेकंड हायर हाई, थर्ड हायर हाई और फोर्थ हायर हाई, फर्स्ट लोअर लो, सेकंड लोअर लो और थर्ड लोअर लो। फाइनली देखिए जब इसका ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट होने के बाद बहुत अच्छा टारगेट मिला है। टारगेट हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हमारा 2 रुपये 245 और हमारी एंट्री हुई है यहां पर 230 पर, 232 पर, तो 13 रुपए का हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। और 232 से अगर हम यहाँ पर लो देखने की कोशिश करेंगे 165 रुपए, तो आप देख सकते कि बहुत ही ज्यादा मतलब 1:7-8 के नियर अबाउट हमको यहाँ पर टारगेट मिल गया है। तो देखिए इस तरह से आपने चार्ट पैटर्न ड्रॉ करने हैं, मेगाफोन चार्ट पैटर्न। देखिए इसके टारगेट मैं आपको बता सकता हूं कि 75% टाइम्स जो है टारगेट इसके 1:5+ ही आपको मिलेंगे, 1:5 के नीचे नहीं मिलेंगे। 25% केसेस में जो है आपको 1:2 या 1:1 ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, बट ये जो पैटर्न होते हैं जब भी इसके ब्रेकआउट होते हैं तो टारगेट बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा ये बताया गया ये चार्ट पैटर्न, मेगाफोन चार्ट पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जो है अपनी क्वायरी मतलब मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो है डाउट क्लियर कर दूं। सेकंड हमारा जो है देखिए टेलीग्राम पर एक चैनल है एंजल टेक एनालिसिस के नाम से, अगर आप चाहें तो वहां जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं डेली इंट्राडे में नियर अबाउट 30-40 चार्ट जो है पोस्ट करते रहता हूं, उस चार्ट में प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस होती है, प्रॉपर सारे चार्ट पैटर्न के पैटर्न ड्रॉ किए हुए होते हैं। कुछ मैं वहां पर कॉल्स वगैरह देता हूं, अगर आप चाहें तो वहां पर जाके जो है चैनल को देख सकते हैं और चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एंजल टेक एनालिसिस अगर आप टेलीग्राम चैनल में लिखेंगे तो आपको वहां पर जो है चैनल आ जाएगा आपके सामने। तो वो चैनल देखिए अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज आप जो है चार्ट पैटर्न वहां से सीख सकते हैं। मैं आपको एक कह सकता हूं कि आप एक फ्री टेक्निकल एनालिसिस आप वहां से मतलब अगर चाहें तो अपना पूरा कर सकते हैं। वहां पर चार्ट पैटर्न जो मैं ड्रॉ करता हूं, आप भी अपने चार्ट ओपन करिए, चार्ट पैटर्न को उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। देखिए जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, विदाउट प्रैक्टिस नथिंग डू एनीथिंग, यहां पर बिना प्रैक्टिस को कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको चाहे जो मर्जी आके सिखा दे, चाहे जो मर्जी अच्छे से अच्छा ट्रेडर, बड़े से बड़ा ट्रेडर अगर आपको आके सिखा दे और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपका वो सीखना बेकार है, आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो देखिए मैं आप लोगों के लिए इस तरह से जो है चार्ट पैटर्न की वीडियो लेके आता रहता हूं। अभी मैंने जो है चार्ट पैटर्न की नियर अबाउट सारी वीडियो बना दी है चार्ट पैटर्न के जो है रिलेटेड। अभी इसके बाद हमारा कैंडल स्टिक का पैटर्न जो है मतलब वो स्टार्ट होगा, उसकी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप चाहें तो जाकर हमारी प्लेलिस्ट ओपन करके जो है सारी वीडियोस देख सकते हैं चार्ट पैटर्न की। देखिए जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। सो इसको इम्प्लीमेंट करिए, प्रैक्टिस करिए और छोटी छोटी क्वांटिटी से जो है अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, आप जो है इन चार्ट पैटर्न को एक बार दोबारा जाके देखिए,
सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए और उसके बाद छोटी छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप पर जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं 9878137600। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।